Thank you.
Turban's position changed. We'll be right back.
Iya. Kejar. Hi friends, welcome back to my channel Daily Workout with Naren. YouTube पर मेरा चैनल है, डेली एक्सरसाइज करता हूँ हर एक बॉडी पार्ट्स की। आज हम लेग्स ही करेंगे, लेग्स की हाइज के लिए। तो लो बैक स्क्वैट, डंबल से कर सकते हैं हम इसको, जब इसमें भारी वेट भी मत थोड़ा कोई ये भी यूज हो जाएगा, लेकिन हमारे पास डंबल अवेलेबल है तो डंबल से करेंगे। 30-30 सेट लेने इसके एक स्क्वैट। कमर भी उसी की होनी चाहिए।
दूसरा सेट है हमारा, हर एक एक्सरसाइज के मैं दो सेट ले रहा हूँ, लेकिन आपको एक दिखा रहा हूँ, ज़्यादा बड़ी वीडियो ना हो इसलिए, ठीक है। पैर यहाँ रखना है, एक एक पैर पीछे, ठीक है दोस्तों। दोस्तों हम करेंगे स्टिफ लेग डेड लिफ्ट, डंबल से लेके कंप्लीट नीचे जाना हमें। हमारी कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए इसमें। स्टिफ लेग डेडलिफ्ट का हमारा दूसरा सेट है। पहले हम नीचे लेके थे, हम थाई से उठ रहे थे, अब हमें केवल ये हमारी हैमस्ट्रिंग के लिए है, कमर की खुशी देना चाहिए। दोस्तों अब हम अपनी चौथे से करेंगे सुमो स्क्वाट्स। सुमो स्क्वाट्स इसलिए है कि इसको नीचे तक जाना है और डंबल को दोनों हाथों साइड से पकड़ना है, ठीक है दोस्तों। Thank you.
स्टार्ट कर दो फ्रेंड्स, हम करेंगे अब हैमस्ट्रिंग कर्ल। फिर हाथों की पोजीशन देख लो और डंबल्स को पैरों पे उठाना, आपको पंजों से लोग लगा लो डंबल्स का। पूरा आने दे, पीछे से घूमो, घूम ले, मेरे पैरों चारों तरफ घूम जा, मेरे चारों तरफ घूम जा। हाय फ्रेंड्स, अब हम अपनी छठी एक्सरसाइज करेंगे, साइड लंग की एक्सरसाइज। ठीक है, डंबल्स को ऐसे पकड़ना, ठीक है, दोस्तों साइड लंग लेंगे हम, जैसे एक्सरसाइज करते हैं ना, ये वाले ऐसे हमें डंबल को हाथ में लेना, डंबल को साइड में, ठीक है दोस्तों, देख के लेना। फ्रेंड्स, हमारी एक्सरसाइज है ग्लूट ब्रिज, ठीक है, एक्सरसाइज करेंगे हम उठाए, स्पाइन पेन के लिए बहुत बेहतर है, स्पाइन पेन रखना, वेट रख के इसको तो बिल्कुल धीरे धीरे ऊपर ना, धीरे धीरे जाओ। हाय फ्रेंड्स, अब हम लेंगे सिंगल लेग स्क्वाट की, ठीक है, सिंगल लेग, एक पैर से जाना आपको, एक पैर आपको सीधा रखना है। Thank you.
फ्रेंड्स अब हम करेंगे सिंगल लेग डेडलिफ्ट। डेडलिफ्ट का मतलब होता है हमें नीचे जाना है जितना हो सके। एक पैर हमारा पीछे रहेगा, एक पैर हमारा फोल्ड रहेगा, डंबल आगे रहेगा। वेलकम बैक टू माई चैनल डेली वर्कआउट विद नरेन। दोस्तों हम पेट की करेंगे आज, हमें फैट को लूज करने के लिए काफ़ी हद तक कर लिया है, ठीक है दोस्तों अब और हमें करना है। गर्म कपड़े पहने रहो, पेट लूज करना है ना आपका, तो गर्म कपड़े आपको पहने रहना गर्मी में, ठीक है दोस्तों। टेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, पेट में जान होगी तो स्टोमने जाएगी, बोलने से भी हमारे पेट की जान लगती है, ठीक है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हम पेट के लिए, डबल लेग एक्शन है, बोथ लेग एक्शन है, ठीक है। बोथ लेग ऐसे होती है, हाथों को ऐसे रख लिया नीचे और अब दूसरी करेंगे पेट के लिए सिंगल लेग एक्शन से, ऐसे करना है। फ्रेंड्स अब हम अपनी तीसरी एक्सरसाइज करेंगे पेट के लिए, ओपन लेग एक्सटेंशन, ठीक है।
फ्रेंड्स अब एक्सरसाइज करेंगे हम फ्रॉग क्रंचेज। फ्रॉग क्रंचेज करेंगे हम, पहले मतलब दो सेट लेने हैं, लेकिन इस वीडियो में एक सेट दिखा रहा हूँ आपको। ओके कंटिन्यू विद मी। ऐसे पहले ऊपर पैर करने हैं, फ्रेंड्स अब करेंगे हम फ्रॉग क्रंचेज टू। पहले हमने हाथों की डायरेक्शन चेंज की थी अर सेट में, अब इसमें हाथ पीछे रखने हमें कानों के पास, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हम एक्सटेंडेड लेग ओपन ओपन एंड क्लोज, ठीक है। सब करेंगे एल सिंगल लेग लोअर्स। पहले हम दोनों पैर भी लेके आ रहे थे, लेकिन अब एक एक पैर के लेके आएंगे नीचे पैर, कोई शर्म आदि वही रहेगी। अब करेंगे हम बटरफ्लाई रीच थ्रो, हाथों का जोड़ना, ठीक है।
स्प्रिंटर लेग सिट-अप्स करेंगे हम, राइट एंड लेफ्ट लेग। फ्रेंड्स अब हम करेंगे आर्ट क्रॉस रिचीज, पैर ऐसे रहेंगे हमारे। अब करेंगे प्लैंक स्टेप आउट। प्लैंक क्लास हम ये करते थे ना, प्लैंक स्टेप आउट ये पोजीशन देते हैं। अब हम करेंगे प्लैंक क्लाइंबर, इसे पहाड़ों पर चढ़ते हैं ना वैसे करेंगे हम प्लैंक। तो ये हो गया, अब नीज घुटनों के पास, घुटनों को एल्बो से लगाएं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल डेली वर्कआउट विद नरेन। दोस्तों अब हम 10 मिनट की रनिंग करेंगे, उसके बाद हम आज एक्सरसाइज करेंगे चेस्ट के लिए, ठीक है। हेलो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था 10 मिनट की रनिंग करनी है आपको, फिर आज हम चेस्ट के एक्सरसाइज करेंगे। चेस्ट के 4 सेट्स हमारे पास, तो मशीन तो मैंने बताई थी आपको, लेकिन आपको ईंटों की दिखा देते हैं, ईंटों की कितनी वाइड ईंट होनी चाहिए हमारे पास। ईंट देना था एक और दो। फर्स्ट एक्सरसाइज रहेगी हमारी, ये दो ईंट आती है, थोड़ा थोड़ा क्या इतना या पाँच, ठीक है, दो इंच, ठीक है।
20 रेप्स हर एक एक्सरसाइज के 2 या 3 सेट करने। तो फर्स्ट हम 20 रेप्स लेंगे। एक दोस्तों हमारे पास ये पुशअप प्लेट्स भी हैं, कहीं खरीद नहीं पाएंगे इसको या फिर मिल नहीं पाएगी, तो हम ईंटों से बना रहे हैं इसको चेस्ट की। तो प्लीज़ हमें फॉलो करते रहें, देखते रहें कैसे कितना छोटा हमने ईंटों को पकड़ना है, मतलब तो डिस्टेंस कितना होना चाहिए ईंटों के बीच में। दोस्तों अब दूसरा सेट करेंगे चेस्ट का। एक की पोजिशन देख लो आप, किस एंगल से रखी गई हैं और कितना डिस्टेंस है इनके बीच में। तो हमारा दूसरा सेट स्टार्ट होगा। दोस्तों कुछ कर गुजरने का जुनून होना चाहिए, आप देख सकते हो कितनी मेहनत कर रहे हैं अभी। हौसलों से जंग जीती जाती है, देख लो अभी ये अपने बॉडी को मेंटेन करने के लिए एक्सरसाइज के लिए जद्दोजहद करके लगे हुए। दोस्तों अब हमारा तीसरा सेट है चेस्ट के लिए। डिस्टेंस देख लीजिए ईंटों का, कम किया पहले वाइड था, डिस्टेंस ज़्यादा था, अब डिस्टेंस कम किया। तीसरे सेट में दोस्तों रास्ते कभी बंद नहीं होते, अक्सर लोग हिम्मत हार जाते हैं। कैसे भी हो करो, पाँचों पाँच करो। दोस्तों जैसे कि हम चेस्ट ही कर रहे थे, चेस्ट का लास्ट सेट है चौथा, हम हर एक एक्सरसाइज की 2-3 सेट कर रहे हैं। तो लास्ट एक्सरसाइज है चेस्ट के लिए। दोस्तों पांचवी एक्सरसाइज हमारी चेस्ट के लिए जो बहुत ही बेहतरीन है, हमारी जो लोअर चेस्ट है ना, ये कटिंग लेके आती है।
हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल डेली वर्कआउट विद नरेन। जैसे कि हम पुशअप प्लेट से कर रहे थे एक्सरसाइज, ईंटों से भी की थी हमने, हमने की थी चेस्ट की, कल ट्राइसेप्स की थी हमने, आज हम करेंगे बैक की। बैक का रोल बहुत ज़्यादा होता है हमारी बॉडी स्ट्रक्चर की शेप बनाने में, बीस से बनता है उससे। चलो सेट करेंगे 20 या 15 का, दो सेट करेंगे, एक सेट करता हूँ पहला सेट में। ओके दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था आपको, हौसलों में जुनून होना चाहिए। देखो इनके अंदर बहुत जुनून है, उम्र से कोई एज नहीं बनता, हौसला होना चाहिए शरीर को मेहनत करने का। आप देख सकते हो कितनी मेहनत कर रहे हैं, अब तक कंटिन्यू कर रहे हैं मेहनत को, बीच में किसी कारण छूट गई थी इनकी, लेकिन अब ये कंटिन्यू कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं दोबारा। तो जुनून से जंग जीती जाती है। हमारा अब दूसरा सेट है बैक के लिए, बैक दूसरा सेट होगा हमारा। हमने प्लेट के अंदर बदल ली है, आप अगर परचेज करोगे तब आपको पता लग जाएगा। थोड़ा सेट करेंगे तो दोस्तों, जुनून एक ऐसी चीज़ है वो किसी भी जंग को जिता सकता है, चाहे वो फिजिकली वर्कआउट हो, चाहे स्टडी की हो हमारी, चाहे हमारे बिजनेस की हो। इंसान के अंदर जुनून होना चाहिए, आप देख रहे हो जुनून आपके सामने है। गुड 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 दोस्तों, जैसे कि हम कंटिन्यू कर रहे हैं, अब हमारा तीसरा सेट आएगा बैक के लिए। आपको मैं पहले बता चुका हूँ बैक कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी स्ट्रक्चर के लिए। चलो तीसरा सेट करेंगे। मेमोरी भी नहीं लेगा। दोस्तों जैसे कि कंप्लीट नीचे जा रहा है, तो ऐसे आपको जाना नीचे कंप्लीट बैक, बैक का शुरू होना चाहिए आपको। देखो बैक कैसे आ रही है, बैक आ रही है नहीं बाहर, बैक बैक जरूरी होती है हमारे लिए। हिप्स भी उठाओ, हिप्स भी साथ उठने चाहिए। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जैसे कि हम आज बैक की कर रहे हैं, हमारी बैक की लास्ट रहेगी है पुशअप प्लेट के ऊपर, चौथी एक्सरसाइज। हर एक की दो सेट कर रहे हैं, लेकिन आपको एक सेट दिखाया जा रहा है, आपको खुद दो करने हैं, ठीक है। चौथा सेट हमारा ये। Thank you.
देख सकते हो आप बैक की मसल्स कैसे बाहर आ रही है। दोस्तों जैसे कि लास्ट सेट है ये, ओके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डेली वर्कआउट विद नरेन। अब कुछ एक्सरसाइज करेंगे हम हमारे शरीर के लिए जो बहुत बेहतर है, टमी फैट के लिए रहेंगी वो। कुछ एक्सरसाइज है, आप देखना मेरे साथ, बने रहना मेरे साथ। फर्स्ट हो गई दोस्तों, अभी कंटिन्यू करते हैं हम। कंटिन्यू इसको बोलते हैं डक वॉक। अपने हैंड को मानो छेड़ लिया है। ओके दोस्तों, अभी कंटिन्यू रहेंगे हम। कंटिन्यू रहेंगे हम। अब हम करेंगे एक्सरसाइज है टमी फैट के लिए, लेफ्ट और राइट। अभी कंटिन्यू रहेंगे, कंटिन्यू। पकड़ो क्या एकदम करना, वही से आप पे अच्छी आ रही थी जब वो करेंगे तो इसे। ऐसे करना, ऐसे ऐसे।
अभी कंटिन्यू रहेंगे। अब लेफ्ट साइड की थी, अब राइट की करेंगे। अभी कंटिन्यू रहेंगे, कंटिन्यू। कंटिन्यू रहेंगे, अब घुटनों को जितना हो सके हमें मतलब चेस्ट तक लेके आना है, चेस्ट तक लेके आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल डेली वर्कआउट विद नरेन। दोस्तों हम आज एब्स ही करेंगे वेट कम करने के लिए, तो कुछ एक्सरसाइज हम करेंगे, हम घर पे रह के कर सकते हैं एक्सरसाइज को। तो फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी बेली एक्सरसाइज, दोस्तों ये दूसरी एक्सरसाइज हमारी पेट के लिए, कुछ भी वेट आप ले सकते हो। पैरों को सीधे करके ऐसे ठीक से पैर पीछे हाथ पीछे रखें, जो पैर पहले उठेगा उसके अपोजिट अपोजिट पैर आएगा।
हमारी पांचवी एक्सरसाइज है एब से रिलेटेड। वेलकम बैक टू माई चैनल डेली वर्कआउट विद नरेश। दोस्तों जैसे मैंने बताया था हमने रनिंग की थी, 10 मिनट की रनिंग करने के बाद अब हम कुछ वार्म अप एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद हम कुछ चेस्ट की एक्सरसाइज करेंगे। पहले वार्म अप एक्सरसाइज देख लो कौन कौन सी है जो इम्पोर्टेंट होती है हमारे लिए। चलो भी One.
हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल डेली वर्कआउट विद नरेन। दोस्तों हम आज बाइसेप्स की एक्सरसाइज करेंगे। पहला सेट हमारा घोड़े से ऊपर हाथ रुके रहना चाहिए हमारा। दोस्तों हमारा अब दूसरा सेट डंबल का लेंगे हम बाइसेप्स के लिए, मतलब हर एक के मैं तीन सेट ले, तो आपको एक दिखा रहा हूँ, तो ध्यान रहे आपको तीन तीन सेट करने, 15, 12, 10 या 20, 15, 10। दोस्तों हमारे अब तीसरी एक्सरसाइज है, हमें पहले हम डबल ऐसे लिए थे और मैं ऐसे लेने, हर एक के तीन तीन सेट कर रहा हूँ, ध्यान रहे तीन सेट करने आपको। फ्रेंड्स हमारे अब चौथे एक्सरसाइज है बाइसेप्स की, चार एक्सरसाइज बहुत ही बेहतर हैं ये, इस विंडो बोलते हैं वैसे हम देसी भाषा में, अपर मसल्स के लिए बहुत बेहतर है। घुटने पे लगाना है इसको, बस टच टच करना है। अब दूसरी सर दूसरे हाथ का करेंगे हम। हमारे अगर मसल्स में जान नहीं होती उठाने की, तो हम अपने जो हाथ हमारा खाली है उससे हम थोड़ी सपोर्ट ले सकते हैं। अब इसका करेंगे हम, जितने लगे उतने ठीक है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल डेली वर्कआउट विद नरेन। एक्सरसाइज करते हैं डमी फैट को लूज करने के लिए और फिट रहने के लिए।
तेरा चिकन।